अपन चीवी का इंतजार लोग काफी समय से कर रहे थे। लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ। अपकमिंग कार टाटा पंच ईवी की बुकिंग 5 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गई है। टाटा ने अपनी अपकमिंग ईवी कार्स के लिए एक्टिव डॉट ईवी नाम से नया आर्किटेक्चर लॉन्च किया है। इसका नाम एडवांस कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली अपकमिंग कार्स टाटा हैरियर ईवी, कर्व ईवी, अवन्या ईवी, सेरा ईवी जैसे बहुत सारी ईवी कार्स इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी। आज हम टाटा पंच ईवी के बैटरी और फीचर्स की बात करेंगे। टाटा पंच ईवी के बैटरी और पावर की बात की जाए तो एक्टिव आर्किटेक्चर पर बेस्ड टाटा पंच ईवी सिंगल चार्ज बैटरी रेंज 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की होगी। टाटा पंच ईवी में फास्ट चार्जिंग के लिए 7.2 किलोवाट से 11 किलोवाट ऑन बोर्ड चार्जर और डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए 150 किलोवाट तक का चार्जर सपोर्ट मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि 10 मिनट के चार्ज में 100 किलोमीटर तक की रेंज देगी। टाटा पंच ईवी के इंटीरियर और एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो पंच के रेगुलर वर्जन में केवल हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। पंच ईवी में नए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे। टाटा पंच ईवी का फ्रंट फेसिया काफी हद तक टाटा नेक्सॉन ईवी से मिलता जुलता है। इसमें बोनट की पूरी चौड़ाई के साथ एलईडी डीआरएल पट्टी लगाई गई है। रेगुलर पंच 7 इंच टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ आती है। वहीं टाटा पंच ईवी 1.25 इंच टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ आएगी। साथ ही पंच ईवी में स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। पंच ईवी वेंटिलेटेड फ्रंट सीट के साथ आएगी। पहले ये फीचर्स प्रीमियम और महंगी कार्स में आती थी, मगर अब ये टाटा पंच ईवी में भी मिलेगा। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा सिस्टम के साथ पेश की जाएगी, जिससे ड्राइवर को कम स्पेस वाली जगहों पर पार्क करने में हेल्प मिलेगी। पंच के पेट्रोल मॉडल में वायरलेस फोन चार्जर नहीं देती पंच ईवी इस प्रीमियम फीचर से लैस होगी। साथ ही पंच ईवी में स्मार्ट डिजिटल DRL मिलेंगे। ये DRL गुड बाय और वेलकम सीक्वेंस के साथ आते हैं। साथ ही इसमें वॉइस असिस्टेंट, लेदर वेंटिलेटेड सीट, AQI डिस्प्ले, एयर प्योरीफायर, SOS फंक्शन के साथ आएगी। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पहली बार आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।